बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब खैरियत से हैं, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू वाले नान, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और हर बंदा इसको बहुत ही पसंद करता है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। अगर कोई मेहमान घर में आ जाए तो आप उसको चाय के साथ भी दे सकते हैं, टी टाइम में भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इनको मेरे तरीके से बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, बहुत ही शौक के साथ खाएंगे। और ये आलू वाले जो नान हैं, ये आप इनको फ्रीज करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी जल्दी इसको आप ओवन में गर्म करके मेहमान के आके रख सकते हैं। अब हम प्यारे से बाउल में थोड़ा सा बेसन डाल लेंगे, तकरीबन 3-4 चम्मच में इसमें बेसन शामिल कर दूंगी। आप अपने मटेरियल के हिसाब से जितने आपने नान तैयार करने हो उस हिसाब से आप अपना सामान तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें, ये मैंने दो आलू छोटे छोटे काटे हुए हैं बारीक बारीक, आपने भी इसी तरह ना बारीक काटने हैं, आपने ज़्यादा मोटे नहीं काटने हैं। देख सकते हैं आपने इसी तरह से बारीक आप काटेंगे ना तो ये सही आपके गलेंगे, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। अब ये मैं इसमें बेसन में शामिल कर लूँगी ये सारे। अब ये मैंने एक छोटा सा प्याज काटा है, ये इसमें मैं शामिल कर लूँगी। प्याज को भी आपने ना बारीक बारीक ही काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं इसको काटना। अब इसमें ये मैंने सब्ज़ मिर्च और सुरख, ये मैंने तकरीबन 3-4 काटी हुई हैं, ये मैं शामिल कर दूँगी इसमें। ये अब मैं सुरख मिर्च, गड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें एक चम्मच शामिल कर दूँगी। आप अपने मटेरियल के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी चीज़ें कम है इसलिए मैं इसमें आधी चम्मच नमक शामिल करूँगी। ये आधी चम्मच मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। ये इसमें सुरख मिर्च, क्योंकि मैंने गड़ा मिर्च और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल की हैं इसलिए ये इसमें मैं आधी चम्मच ये सुरख मिर्च शामिल करूँगी। ये खुशक धनिया और ज़ीरा जो है इसको मैंने अच्छी तरह भून के तवे के ऊपर ये रखा हुआ है, इसको मैं अच्छी तरह हाथों के ऊपर मसल लूँगी। और इसके ये जो बाल बने होते हैं ना, इनको आपने तोड़ना है, ज़्यादा भी नहीं इसको मसलना। ये मैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मसल के ना इसमें शामिल कर दूँगी। ये नानों के ऊपर बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप भी मेरे तरीके से बनाएं, आपके नान बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस तैयार होंगे। इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। और ये मैंने तकरीबन 3 लेमन लिए हैं, इनमें से मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब इसका मैं रस निचोड़ लूँगी अच्छे तरीके से। इससे भी ना, अगर आप पकौड़े बनाएं या नान बनाएं, जो भी चीज़ आपने तैयार करनी हो ना, बहुत ही मज़े की बनती है। अब ये सारा मैं निचोड़ लूँगी। अब मैंने ये सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, कि बहुत ज़्यादा इसको मैंने पतला नहीं करना। अब मैं साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है एक ही दफ़ा, कि वो आपका जो मटीरियल है वो ज़्यादा पतला हो जाए, थोड़ा सख्त ही रखना है। अब इसमें ये जो धनिया है ये भी मैं शामिल कर दूंगी। धनिया से भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और बहुत प्यारे इससे भी नान तैयार होते हैं। अब मैं ये डाल दूंगी, अगर ज़्यादा डाला हो तो बहुत ही मज़े के इससे तैयार होते हैं।
अब हमारा मटेरियल बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। इसको ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, बिल्कुल इस तरह आपने दरमियाना सा रखना है ताकि ये अच्छी तरह नानों के ऊपर चिपक जाए। अब ये हमारे प्यारे से नान है, इनके ऊपर मैं इस तरह जो मैंने ये मटेरियल तैयार किया हुआ है ना, इसको मैं हाथों के साथ लगाऊंगी इस तरह से अच्छी तरह। आप भी इस तरह से अच्छी तरह हाथों के साथ लगाएं, हाथों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चमचों के साथ लगाएंगे ना तो वो सही नहीं लगेगा। आलू आपने जितने बारीक काटे होंगे ना इतने ही अच्छे ये जल्दी गल जाएंगे। अगर मोटे आलू आप काटेंगे ना तो वो गलेंगे नहीं जल्दी। अब मैंने अपनी प्यारिया सा पतीला जो है वो ऊपर रख दिया, अब इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं ऑयल आपने थोड़ा ज्यादा ही लेना है ताकि इसमें अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको तेल को गर्म होने दूंगी और चूल्हा थोड़ा आस्ता कर लूंगी। अब हम नान को कढ़ाई में रख देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हुआ है। अब मैंने नान को पलट लिया है और इसकी दूसरी साइड कर दी है ताकि ये अच्छी तरह दूसरी साइड से भी पक जाए। अब इसको आपने हल्की आंच पे बनाना है। इसको मैं हल्की आंच पे बना रही ताकि आलू जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए अंदर से। ये अच्छी तरह से पक जाए। अब आप देख सकते हैं हमारा बहुत नान तैयार हो गया। ये देखते हैं कि बहुत ही गोल्डन गोल्डन। अब इसी तरह मैं और भी नान तैयार कर लूंगी। ये मैंने छोटे छोटे चकोर की शक्ल में काटे हुए हैं। अगर आपको मेरे आलू वाले नान की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। गाँव में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।